पिटीशन दो, पिटीशन दो, पिटीशन दो, डीजे नहीं विसर्जन नहीं, 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 डीजे नहीं विसर्जन नहीं। यदि सरकार हम लोगों को, वैसे सरकार तो इसमें नहीं इन्वॉल्व है, केवल रायबरेली प्रशासन इन्वॉल्व है, और अगर वो हम लोग को परमिशन नहीं देगी डीजे की तो हम लोग किसी भी प्रदर्शन नहीं करेंगे। रायबरेली समाचार चैनल, आज की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर। डीजे बजाने की अनुमति न मिलने पर भड़के किया उग्र प्रदर्शन। दशहरा के दिन मूर्ति विसर्जन पर डीजे बजाने की प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। अनुमति न मिलने पर मूर्ति विसर्जन न करने की जिद पर अड़े लोग, आंदोलन की प्रशासन को दी चेतावनी। रायबरेली, दशहरा के दिन होने वाले प्रतिमाओं को विसर्जन पर इस बार जिला प्रशासन की ओर से डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन की ओर से इस बार डीजे बजाने की अनुमति न देने पर शहर की दुर्गा पूजा समिति के लोग भड़क उठे। समिति के लोगों ने कहा कि अगर इस डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलेगी तो प्रतिमा नहीं विसर्जित की जाएगी और विरोध किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने डीजे बजाने की अनुमति न दी तो समिति के पदाधिकारी विरोध करते हुए मूर्ति विसर्जन न करने की चेतावनी दी। सोमवार की शाम शहर के चंदापुर कोठी में पहुंचे जगमोहनेश्वर मंदिर में इकट्ठा हुए शहर के दुर्गा पूजा कमेटियों समिति के लोगों ने कहा कि इस बार जिला प्रशासन प्रतिमा विसर्जन पर डीजे न बजाने की अनुमति नहीं दी। इससे लोगों में खासी नाराजगी व्याप्त है। प्रतिमा विसर्जन पर लोग डीजे की धुन पर थिरकते हुए प्रतिमा को लेकर विसर्जन के लिए नाचते गाते हुए जाते थे, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की ओर से डीजे बजाने की अनुमति न देने पर लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। समिति के लोगों ने मांग की है कि उन्हें प्रतिमा विसर्जन पर डीजे की अनुमति दी जाए, अन्यथा की दशा में समिति के लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और प्रतिमाओं को विसर्जित नहीं करेंगे। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर कमेंट करें। रायबरेली समाचार चैनल, आज की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर। डीजे बजाने की अनुमति न मिलने पर भड़के किया उग्र प्रदर्शन। दशहरा के दिन मूर्ति विसर्जन पर डीजे बजाने की प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। अनुमति न मिलने पर मूर्ति विसर्जन न करने की जिद पर अड़े लोग, आंदोलन की प्रशासन को दी चेतावनी। रायबरेली, दशहरा के दिन होने वाले प्रतिमाओं को विसर्जन पर इस बार जिला प्रशासन की ओर से डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन की ओर से इस बार डीजे बजाने की अनुमति न देने पर शहर की दुर्गा पूजा समिति के लोग भड़क उठे। समिति के लोगों ने कहा कि अगर इस डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलेगी तो प्रतिमा नहीं विसर्जित की जाएगी और विरोध किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने डीजे बजाने की अनुमति न दी तो समिति के पदाधिकारी विरोध करते हुए मूर्ति विसर्जन न करने की चेतावनी दी। सोमवार की शाम शहर के चंदापुर कोठी में पहुंचे जगमोहनेश्वर मंदिर में इकट्ठा हुए शहर के दुर्गा पूजा कमेटियों समिति के लोगों ने कहा कि इस बार जिला प्रशासन प्रतिमा विसर्जन पर डीजे न बजाने की अनुमति नहीं दी। इससे लोगों में खासी नाराजगी व्याप्त है। प्रतिमा विसर्जन पर लोग डीजे की धुन पर थिरकते हुए प्रतिमा को लेकर विसर्जन के लिए नाचते गाते हुए जाते थे, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की ओर से डीजे बजाने की अनुमति न देने पर लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। समिति के लोगों ने मांग की है कि उन्हें प्रतिमा विसर्जन पर डीजे की अनुमति दी जाए, अन्यथा की दशा में समिति के लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और प्रतिमाओं को विसर्जित नहीं करेंगे। रायबरेली समाचार। मेरा नाम ऋषभ वर्मा है, मैं बेलीगंज दुर्गा पूजा समिति से हूं। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये प्रदर्शन इसलिए है कि प्रशासन ने कहा है विसर्जन में डीजे नहीं बजेगा। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, ये विसर्जन यात्रा है या शव यात्रा है? जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कांवर यात्रा को लेके, ये कांवर यात्रा है, शव यात्रा नहीं, डीजे बजेगा, तो आखिर जब मुख्यमंत्री जी का कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, कोई गाइडलाइन नहीं आई है, तो किस वजह से यहाँ परेशान किया जा रहा है? क्यों यहाँ डीजे पे बैन लगाया जा रहा है? आसपास के सभी जिलों में डीजे बज रहा है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है कि 5 तारीख को, जो कि वर्ष में एक बार माता रानी का विसर्जन होता है, उसमें डीजे बजे। ये हर साल बजता है, इस साल भी बजे। अगर परमिशन ना मिली तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोगों को सरकार या प्रशासन परमिशन नहीं देती है तो हम लोग आगे, अगला स्टेप हमारा चक्का जाम का होगा। हम लोग चौराहे पे चक्का जाम करेंगे और मांग करेंगे और मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे। परसों हम लोग सभी अपनी अपनी मूर्तियां लेकर इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह पे, वो जगह हमारी सीक्रेट होगी, वो जगह पे हम लोग इकट्ठा होंगे और वहीं पे बैठे रहेंगे, विसर्जन नहीं करेंगे। जब तक डीजे नहीं बजेगा तब तक किसी प्रकार का कोई मूर्ति आगे नहीं बढ़ेगी। नाम चंद्रप्रकाश गुप्ता है,
बड़ी देवी मंदिर अमर नगर रायबरेली। ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हम लोग यहाँ पर सब दुर्गा पूजा पंडाल वाले 9 दिनों से दुर्गा पूजा नवरात्रि के अवसर पर जिस तरह से मनाया है उसके बाद प्रशासन ने कहा है कि विसर्जन में डीजे नहीं बजेगा। हम लोगों की मांगे हैं कि विसर्जन में डीजे बजने दिया जाए उचित साउंड पर। अगर प्रशासन नहीं बात मानेगा तो हम लोग विसर्जन नहीं करेंगे। एक जगह पे सब लोग अपनी मूर्ति लाकर इकट्ठा कर देंगे, रोड जाम कर देंगे।